आज तक हमने कई ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना है जिसके द्वारा हमारे फोन्स संचालित होते हैं, जैसे कि लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। परंतु दोस्तों, आज हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं वह एक बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्थापक श्रीधर वेम्बू, जिन्होंने बिना किसी पूंजी के जोहो कॉरपोरेशन को दुनिया के प्रत्येक कोने तक पहुंचा दिया है। 1996 में एडवेंट नेट इंक को शुरू किया गया, जिसमें उनके दोनों भाई शैलेश कुमार और शेखर तथा उनके साथ टॉनी थॉमस ने भी अपना योगदान दिया। बाद में टॉनी थॉमस ने वेब एनएमएस कंपनी का भी आगाज किया, जो कि एक टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है तथा साथ ही जोहो कॉर्प का एक विभाग भी है। जोहो कॉर्प का एक और विभाग है मैनेज इंजन डिवीज़न। वर्ष 2003 में इस कंपनी को शुरू किया गया था। मैनेज इंजन डिवीज़न कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है जो उनके आईटी नेटवर्क को मॉनिटर करता है और मैनेज भी करता है। 2009 में एडवेंट नेट से जोहो कॉरपोरेशन बना और इसके संस्थापक श्रीधर वेम्बू, जिनका जन्म 1968 में उमायालपुरम नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, उन्होंने 12वीं की कक्षा परीक्षा में टॉप किया तथा 27वीं रैंक प्राप्त किया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी किया। श्रीधर वेम्बू जब 12 या 13 साल के थे, उनके पिता के गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उनसे कहा था कि तुम एक स्मार्ट बच्चे हो, भविष्य में तुम कुछ अच्छा करने वाले हो, परंतु इस गांव को मत भूल जाना क्योंकि यह गांव तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, किंतु तुम गांव तक पहुंच सकते हो। यही कारण है कि श्रीधर वेम्बू ने एडवेंट नेट इंक की शुरुआत चेन्नई शहर से की। वैसे तो एडवेंट नेट इंक एक यूएस कंपनी थी जिसका डेवलपमेंट सेंटर भारत के चेन्नई शहर को चुना था। जोहो कॉर्प की शुरुआत भारत में हुई, परंतु प्लीजेंटन कैलिफोर्निया में उसका ग्लोबल हेडक्वार्टर है। शुरुआत में उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी, मात्र 6 लोगों की विलक्षण प्रतिभा थी, जिनमें उनके 2 भाई और 3 मित्र थे। अतः पूंजी के लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों ने उनकी मदद की तथा कंपनी को आगे बढ़ाया। उनकी पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन, जो कि स्वयं एक इंजीनियर थीं, उनकी काफ़ी मदद की। उनकी दोनों सिस्टर्स राधा वेम्बू, जो कि जोहो में संचालित करती हैं, और मनिका नंदन, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है जोहो की। श्रीधर वेम्बू का यह मानना था कि स्वतंत्रता का त्याग क्यों करें, इसी के चलते उन्होंने एक्सटर्नल फंडिंग का उपयोग नहीं किया। आज 80% से भी ज़्यादा लोग जोहो के द्वारा बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जोहो के पास अब 100,000 कस्टमर्स हैं और 18 मिलियन यूज़र्स 122 देशों से इसमें कनेक्ट हो रहे हैं।